हरि ओम। मैं डॉक्टर सूर्यकांत पोल, चीफ मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम इंडियन नेवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मैं अंधेरे में रहता हूँ। मैं मेरे ज़िंदगी में मेरे बच्चे के साथ हुआ अनुभव आपके सामने बताना चाहूँगा। 2005 में मैं जब घाटकोपर में मेरा तबादला हुआ था, वहाँ मेरी नई पोस्टिंग थी। उस दौरान हमें उस डिपार्टमेंट के जरिए एडवेंचर ट्रेक, क्योंकि ये डिफेंस का डिपार्टमेंट है तो यहाँ एडवेंचर ट्रेकिंग का बहुत बार आयोजन होता है। उस दौरान हमें 2005 में फैमिली के साथ एडवेंचर ट्रेक के लिए वो लेके जाते थे। उस बार हमारी मैं और मेरा बेटा इस एडवेंचर ट्रेकिंग के लिए हमें हेमकुंड साहिब, जो उत्तरांचल में है, वहाँ हमारा ये एडवेंचर ट्रेक होने जाने वाला था, जो 13,000 फीट ऊंचाई पर है। इस जगह पहुंचने के लिए करीबन ये एक जगह है गांगरिया नाम, जहां तक पहुंचने के लिए करीबन आपको 11,000 फीट का ऊंचाई चढ़ना पड़ता है। करीबन वो 10 किलोमीटर का फासला है ज़मीन से लेके, उतना हमको चढ़ के जाना पड़ता है। और उसके बाद वहाँ पर बेस से के बाद वहाँ आप हेमकुंड साहब के लिए जाते हैं या वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाते हैं। ये हमारा वहाँ का एडवेंचर ट्रैक होने के बाद दूसरे दिन हमको लौट कर आना था। अभी वहाँ ऐसे है एडवेंचर ट्रैक की, मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूँगा कि वो जो रास्ता होता है, वो रास्ता करीबन मान लीजिए 6 से 7 फीट चौड़ा होता है और पथरीला होता है, और उसके एक तरफ पहाड़ होता है और दूसरे तरफ खाई होती है, जो खाई में कहीं जगह पर नदी भी बहते रहती है, और वो खाई इतनी स्टीप होती है कि अगर गिर गया तो आपका कोई शरीर का भाग भी नहीं मिला, इतनी वो गहरी खाई होती है। तो जब हम पहले दिन क्योंकि थके हुए थे 10 किलोमीटर और वो हेमकुंड साहब का जो भी और 3,000 फुट का ऊपर का जो फासला था वो हमने किया था, तो दूसरे दिन हमने तय कर लिया कि हमारा 40 लोगों का ग्रुप था, तो हमने वहाँ से नीचे आने के लिए पोनी यानी छोटे घोड़े की कोई वहाँ एक सुविधा उपलब्ध होती है जिसके ऊपर बैठकर आप नीचे आ सकते हैं। तो हम 40 लोगों के लिए हमने 20 पेयर्स ऑफ पोनीस हमने हायर किए थे। तो एक एक रोब में था, यानी 20 रोज हमारे पोनी के तैयार होते। मेरा बेटा और एक लेफ्टिनेंट रणदीवे नाम का ऑफिसर, वो दूसरे नंबर के लाइन में पोनी पे बैठे थे, और मैं करीबन 12वें या 13वें लाइन में मेरा पोनी था, और वो चलते चलते यानी उतरने का वो ढलान थी उधर। तो इतने में कोई आवाज़ आई, जो मेरे सीनियर एक थे कैप्टन साहब, उन्होंने बोला, डॉक्टर पोल आपका बेटा गिर गया। तो मुझे लगा वो पोनी जो है उनका पत्थर में पैर आके फिसलते हैं, वहाँ ही गिरता है, ऐसे मुझे लगा, और मैं कुछ रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, दोबारा उनका मुझे चिल्ला कर आवाज़ आई, अरे डॉक्टर पोल तेरा बेटा गिर गया। तो मैं जंप मार दिया, और वही जगह से मैं आगे दौड़ते दौड़ते देखा तो मेरा बेटा खाई की तरफ गिर रहा है, यानी नीचे जा रहा है। मेरे पैरों तले की ज़मीन पूरी हिल रही थी। लेकिन उस दौरान ऐसे हुआ कि मैं देख रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटे बेटे का नाम सौरभ है और उसकी उम्र तभी कमी 12 साल की थी, मेरा बेटा गिर रहा है और नीचे जाके क्या हुआ, उसके हाथ में जो हम अभी कड़ा पहनते हैं ना, वो कड़ा था, और वो नीचे गिरते समय एक बड़ा सा पेड़ था उसमें जाके टकराया, और उसका कड़ा उधर एक फांदी में जाके अटक गया, और वो वहाँ पूरा रुक गया गिरते गिरते। वहाँ के जो आदिवासी लोग जो होते हैं, जो भी होते हैं ना, उन्होंने ये देखा और उन्होंने क्या किया, आप डरिए मत, तो वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता उतर कर गए, और वो बच्चे को उन्होंने सपोर्ट देके उसको उठाकर ऊपर लाया। पहली बात ये थी कि बेटा हमारा गिर गया है और गिरने के बाद बच गया है, उसको ऊपर लाया। तो मैंने पहले बेटे के पीठ पर हाथ रखा और बेटे को पूछा, बेटा कैसा है? तो बेटा मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, और मैंने देखा कहीं लगा है क्या, तो मेरे बेटे ने मुझे, 12 साल का बच्चा है जिसको ज़्यादा कुछ समझता नहीं है, वो जैसे बच्चा ऊपर आया तो मुझे उन्होंने पहले ही क्या उन्होंने रिएक्शन दी कि पापा जब मैं नीचे गिर रहा था ना, तब मुझे कोई तो ना सवार रहा था, मुझे बिल्कुल उठा ले रहा था। मैं बोला ऐसे कैसे? तो मेरे दिल में पहली बात यह आई कि ये और कोई नहीं, मेरा
परम पूज्य बापू है, मैं बापू के पास 2002 से आ रहा हूँ और मुझे ये अनुभव, मुझे 2005 का जो मैं बता रहा हूँ, तो मेरे बापू की जो मेरी श्रद्धा है, मेरे लिए बापू उस दौरान मेरे बच्चे को बचाने के लिए वहाँ आया था। मैंने देखा बच्चा इतना कम से कम 150 फीट नीचे गया था, उसके बावजूद उसके शरीर को कोई खरोच नहीं आई थी, उसके सर को नहीं लगा था। तब बेटे ने बोलना शुरू किया, पापा मुझे बचा लिया। और बेटे ने जो अब ये कहा, ये बात सुनने लायक है, पापा मैं जब ही नीचे गिर रहा तो पत्थर भी आ रहे थे, मिट्टी भी आ रही थी, और मैं देख रहा था कि जिस पोनी पे मैं बैठा हूँ वो पोनी भी नीचे गिर रहा था, और मैं डर गया कि एक पोनी अगर मेरे शरीर पे आके गिरा तो हो गया ख़त्म। मैंने पेड़ ने तो मुझे बताया लेकिन अभी मेरा क्या होगा पता नहीं। करीबन 10 फीट का फासला होगा उसमें और वो बच्चे में, उस 10 फीट के अंतर पे ही पोनी का जो गिरने का जो दिशा थी वो बदल गई और वो जाके दूसरे तरफ एक पेड़ था उस पर जाके अटक गया। अभी ये जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होने वाली सब चीज़ें थी जिस जो मेरा बेटा बयान कर रहा था, यानी मेरा बेटा उसके हाथ में जो कड़ा था वो और मेरे बापू का जो उसको बचाना था उसको बचाने का ये तरिया देखकर मुझे केवल याद आया, ये केवल 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 मेरा बापू ही कर सकता है। और मेरे मुंह से बड़ी ज़ोर से आवाज़ निकली, हे बापू। मैंने तभी उसको पहले प्रणाम किया, बापू तू है उसके लिए मेरा बेटा बचा, नहीं तो आज मेरा बेटा जो है 23 साल का है जो MSc IT कर रहा है, नहीं तो मेरे साथ नहीं रहता। और मेरे लिए वो जो एडवेंचर ट्रेक था मेरे जीवन में एक पहली बार होने जा रहा था, वो मेरे लिए इस बहाने अविस्मरणीय रहता, लेकिन मेरे बापू ने उसका आशीर्वाद दे के मेरे लिए ऐसे अच्छे यादों के लिए वो अनंत काल के लिए स्मरणीय बना दिया है। तो मैं बापू का हमेशा आभारी हूँ, अम्बद्य हूँ। हरिओम।